हेलो गाइस, मेरा नाम है हरजीत। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक और नया वर्ड जो है क्रैश। क्रैश एक नाउन है और ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो हम सभी को आना चाहिए। आप सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि जो इसके स्पेलिंग है वो कुछ और है और इसकी जो प्रोनंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो कुछ और ही है। वो क्यों? दरअसल ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। इसका मतलब होता है नर्सरी। इंग्लिश लैंग्वेज में नर्सरी का क्या मतलब होता है? नर्सरी जो वर्ड है उसके दो तीन सेंसेस हैं, और उनमें से जो इस सेंस में जो इस वर्ड का यूज होता है, जो इसका मतलब होता है, वो होता है एक प्लेस, एक स्थान जहाँ पर बच्चों को देखभाल की जाती है, जहाँ बच्चों को देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता कहीं और व्यस्त होते हैं। जो आजकल के दौर में जहाँ माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही समस्या आती है कि उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए आजकल कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसी जगहें बन गई हैं जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो काम करने वाले, आजकल जैसे कोई कोई माता पिता कोई जिम जा रहे हैं तो उन्हें होता है उनके बच्चों का ध्यान कौन रखा है। इसलिए कुछ ऐसी प्लेसेस बनाई गई हैं जहाँ पर वो बच्चों का ध्यान रखते हैं जब उनके माता पिता कहीं और गए होते हैं। आइए अब इस वर्ड के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, द स्टाफ ऑफ दिस क्रैश इज वेरी फ्रेंडली विद चिल्ड्रन। जो कर्मचारी हैं इस क्रैश के, वो बहुत ही मिलनसार हैं बच्चों के साथ। अगली एग्जाम्पल देखिए, नाउ डेज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफर क्रैश सर्विसेज विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनीज हैं वो क्रैश जो की सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो जानती हैं कि जो माता पिता हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, इसलिए उनको सबसे बड़ी यही समस्या ये होती है कि उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। आइए चलिए अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड क्रैश और डे केयर सेंटर में हम डिफरेंस जानते हैं। जो वर्ड क्रैश है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट जो डे केयर सेंटर है वो नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है। वैसे ये दोनों वर्ड सेम ही है, इनका मतलब सेम ही है, बट ये यही फ़र्क है, जो डे केयर सेंटर है वो नॉर्थ अमेरिका में वर्ड यूज़ होता है। आज हमने तीन वर्ड्स किए, नर्सरी, क्रैश और डे सेंटर। जो क्रैश है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका जो लिटरल मतलब है वो नर्सरी होता है, और हमने किया डे केयर सेंटर जो नॉर्थ अमेरिका में वर्ड यूज होता है जिसका फिर से मतलब क्रैश ही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर इंग्लिश में आती हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फेसबुक पेज से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं वीडियो जल्द से जल्द जानने की कोशिश करूँगा।